आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। आज हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन हदूद चार मीनार के पास दो नौजवानों पर हमला किया गया। तफसलात के मुताबिक मोहम्मद माजिद उमर 26 साल और मोहम्मद नाहिद 24 साल जो नवाब साहब कुंटे के रहने वाले हैं आज चार मीनार के पास फुटपाथ पर अपना कारोबार कर रहे थे। कुछ लोगों ने इन दो पर हॉकी स्टिक से हमला कर दिया। इस हमले में मोहम्मद माजिद के पैर की हड्डी टूट गई। माजिद को उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इनको पैर का ऑपरेशन करना होगा। नाजरीन अब आप बताएं क्या ये जुल्म नहीं है? एक गरीब इंसान जो अपने और अपने घर वालों का पेट पालता है उनको इस तरह मारना क्या ये जुल्म नहीं है? लेकिन कुछ लोगों ने गरीब की जिंदगी खराब कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। हर अहम खबर से बाखबर रहने सिटी न्यूज 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। गुंडागर्दी कर रहे हैं, पैसे दिए बोल के बोल रहे हैं, पैसे नहीं दिए तो ऐसा मार रहे हैं, कर रहे हैं। कौन थे वो लोग? जी सर, कौन थे वो लोग? वो लोग जो है गन्ने के भुनिया है, लोग के चार मीनार पे नाम बोल गन्ने के भुनिया है, नामा नहीं मालूम, गन्ने के भुनिया है। डेली शाम होते कि जाते कि 300 जियो 400 जियो बोलते, नहीं दिए तो जो है धमकियाँ दे के जाते। आज जो है आके मेरे ऊपर अटैक कर दिए। तो आपको क्या हुआ, कहाँ लगा मार आपको? मेरे को पूरा पीठ पे है, सीने पे है, 6-7 आदमी मिलके मारे मेरे को और पैर के दो हड्डियाँ तोड़ दिए। अभी दवाखाने में क्या बोल रहे हैं आपको? जी सर, दवाखाने में क्या बोल रहे हैं आपको? दो दिन के बाद में ऑपरेशन करते राड डालते बोल के बोल रहे हैं। तो कंप्लेंट दिए आप लोग? हाँ कंप्लेंट दे दिए, 6 महीने तक बेड रेस्ट है बोल के बोल रहे हैं। क्या क्या कारोबार करते आप? मैं तुवाला बेचता हूँ, लेडीज पर्स बेचता हूँ। तो ये क्या वजह से लड़ी भी आपकी है? ये किराया दियो थोड़ा इधर हटा के लगाओ, हमारा लगता है यहाँ पे लोग आओ तो 300 डेली देते, तुम 1 रुपया भी नहीं देते। हमारा जाती कारोबार है। कितने साल से कर रहे हैं आप कारोबार? मैं 10 साल से 11 साल से कर रहा हूँ सर कारोबार। तो कुछ नामा मालूम है, पहचानते कौन है वो लोग? हाँ पहचानता हूँ, लोग जहाँ उन लोग की जगह है सब मालूम है। क्या नाम है लोगों, कुछ बता सकते हैं? उन लोग के जगह मालूम है, नामों से वाकिफ नहीं हुए, जगह जहाँ बैठते खाते पीते सब मालूम है। जन्ना नसीर भाई बोल के है, उनके भांजे है वो। राडो वाडो से मारे मेरे को। और कहाँ लगे मारा? ये पूरा मारे से, ये पूरा शर्ट्स पे इधर, ये पूरा फट गया, ये पूरा पॉइंट फट गया। राडो से मार रहे हैं तो पॉइंट तक फट गया मेरा पूरा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नाहिद है। हम चांदनार पे बिजनेस करते वालों का। आज वहाँ पर जगह के लिए आगे हटो पीछे हटो के लिए ज़रा वहाँ पर पहलवाना ज़रा अटैक कर दिए। मेरे भाई की टांग टूट गई, मेरे पे भी अटैक करे, मेरे भी एक्सरे वगैरह निकाले से है, मेरे को भी हमाल लगा। वहाँ पर के पहलवाना है, वो पहलवानगिरी बता रही, क्या बोले तो हमारे को मामूल दियो, हमारे को किराया दियो, हम नहीं देते नहीं करते बोले, तो ऐसे लड़ाया निकाल रही। क्या नाम है लोगों का? वो गन्ना नसीर भाई के कुछ रिलेशन में होना भाई, हमारे से उनसे कुछ ताल्लुकात ही नहीं है, उन्हें उधर रहते हम इधर रहते, ना जाए साके हमारे पे अटैक करे उसे। अरे भाई का टॉल का स्टॉल है वहाँ पर, आज से नहीं 8-10 साल से हम चांदनार पे ही है। तो ये कब से चल रही है? ये 1 महीने भर से चल रही। अच्छा, आज ज़रा रास्ता दियो, आगे हटाओ पीछे हटाओ, हमारी जगह पे है। हर महीना सबसे लेते पैसे लगाने आप लोगों से? मैंने सबसे लेते पैसे, हाँ सब जनों से पैसे लेते लगा। हम कहीं को देंगे भाई, हम आजकल के थोड़ी हम 8-10 साल से हैं, हम इधर के छे, वो बिहारियों से इनसे उनसे ले रहे पैसे, हमारे को भी दिए बोले तो हम कहीं को देंगे भाई। हम वहाँ पे पुलिस से या कोई लीडरों से जैसा कि खादरी सोहेल खादरी साहब उनसे रुजू है आप लोग बोले मिल के जी, ऐसा पैसे कुछ भी नहीं बोले, कंप्लेंट भी नहीं करे आप लोग? नहीं करे भाई, हम देते नहीं थे, हम कहीं कंप्लेंट करे नहीं, दूसरे जने दे लेते कर लेते, हम कहीं को देंगे भाई। हम 8-10 साल से चामनार पे बिजनेस करते, आजकल आगे हमारे को पैसे दियो करो बोले तो हम कहीं को देते भाई बोलो। आपके भाई का नाम क्या? पड़ा क्या? जी मेरे को भी मार पड़ा, अटैक कर दिया 6-7 जने कुछ थे आगे अटैक कर। इससे मारे बोला? इससे मारे पता नहीं, इधर से उधर से आगे करके हाथों पैरों से, क्या था उन लोगों ने हमारे को नहीं मालूम है। हमारे मेरे भाई की तो टांग तोड़ गई,
मेरे को भी यहाँ आँखी पे कुछ डैमेज हुआ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? किसका? इनका मार क्या? मोहम्मद माजिद है नाम उनका। कितनी उम्र रहती है? क्या हुआ उनका? उनको टांग टूट गई पूरी, ऑपरेशन करना बोल के बोले डॉक्टर साहब। प्लास्टर डाले दो दिन के बाद, प्लास्टर डाले एक दो तीन दिन के बाद ऑपरेशन करेंगे बोल के बताए। अभी ये जो नसीर में बोल के है ना आए थे हॉस्पिटल को, आगे बढ़ रही कब से कर रही, कहाँ से आ रही, कारोबार कर रही। हम आज से दस साल से हम कारोबार कर रही। अब तुम्हारे को हम पैसे देते नहीं लेते नहीं, इसलिए तुम हमारे को नहीं पहचान रही। जो पैसे देने वाले करने वाले लोगों को दो दिन चार दिन आठ दिन भी हो गया तो उनको पहचान लेते। तुम हम आठ दस साल से चांदनार पे कारोबार कर रहे हैं, हम तुम्हारे को देते नहीं लेते नहीं, इसलिए तुम हमारे को नहीं पहचान रही। अब आए थे हॉस्पिटल क्यों ना आके वही देख के करके तुम ना कहाँ से आए, इधर से आके कारोबार कर रही, वो कर रही। 50 दुकान आए होंगे, 50 दुकानों पर से पूरा किराया लेते हो ना। हमारे को भी दिए बोले तो हम नहीं देते बोले भाई। अब आगे आपको डरा रहे हो? कहाँ से आए, किधर से आए, क्या करते कर लो, ऐसा वैसा बोलते जा रही। तो ठीक है, अच्छी बात है भाई, हमारे साथ जो हुआ वो बताएंगे। आज ये क्या टाइम पे हुआ वाकया? ये 5:30 के दरमियान हुआ से जी। आप कंप्लेंट करें पुलिस स्टेशन में? नहीं, स्पॉट पे पुलिस वाले आ गए थे। वहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर के डिपार्टमेंट के लोग आ गए थे, वहाँ पर पुलिस वाले थे। उधर आके हुसैनी आलम वालों को बुला के भिजाए फिर उन लोगों को उस्मानी हॉस्पिटल के भिजाए। अभी तक तो मैं PSQ नहीं गया। तो आप लोग MLC वगैरह हो गए अभी? जी अलहमदिल्ला हो गया MLC। अभी आप क्या चाह रहे हैं यहाँ पुलिस से? पुलिस से ये चाह रहे इंसाफ होना भाई, हमारे को इंसाफ होना, उन लोगों को सजा आना। मेरे भाई का पैर टूट गया, अब जिंदगी भर का राड डालना पड़ता हो रहा डॉक्टर साहब। अब क्या करना बोलो आप, हमारे इंसाफ होना भाई, दूसरा कुछ भी नहीं। ऐसा गरीबों के ऊपर जुल्म करे तो कैसा भाई, पहलवान होंगे ना उनकी हद तक, पहलवानगिरी दिखा लो उन लोग। हम आजकल नहीं आए से आठ दस साल से, हम हमारे को पैसे दिए बोले तो हम कहीं को देंगे वो पैसे? बोलो दूसरों से ले रहे, हमारे को दिए बोले तो हम कहीं को देते भाई? क्या नाम है आपके भाई का जो जिनका पैर टूटा? मोहम्मद माजिद है नाम। नाजरीन, इस खबरनामे के ताउन करदा इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर टोली चौकी पोडियम मॉल हैदराबाद। दोस्तों आज ही विजिट करिए इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर पोडियम मॉल टोली चौकी ग्राउंड फ्लोर और हमसे मिलके जानिए बिजनेस करने का तरीका। होलसेल में आप मुझसे माल ले सकते हो और फ्रेंचाइज के बारे में जानकारी ले सकते हो, किस तरीके से खोलना है, प्रमोशंस वगैरह के बारे में कॉन्टेक्ट करिए इस नंबर पे।